तो सो हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज YTD शक्ति और आप सभी देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल रवि असल ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटिव। जैसा कि अवध यूनिवर्सिटी ने शीतकालीन अवकाश के लिए नोटिस जारी कर दिया है और जो नोटिस जारी की है उसमें अवकाश कब से कब तक दिया गया है उसके बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आ जाइएगा। इसके बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से विजिट करके जो अवध यूनिवर्सिटी की नोटिस का पैनल होता है वहाँ पे आप डायरेक्ट इस लिंक से ओपन हो जाएंगे और वहाँ से सबसे ऊपर में इसकी नोटिस दी गई है, आप वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस नोटिस को पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ और इसमें दिया गया है माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21/12/2022 के अल्पानल में महाविद्यालय आवासीय परिसर एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में दिनांक 25/12/2022 से दिनांक 1 जनवरी 2023 तक शैक्षणिक शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो जो इसमें नोटिस के अनुसार जो आपका अवकाश दिया गया है वो आपका 25 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक आपका अवकाश रहेगा और आपका जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय है वो बंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हम आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।